हेलो भाई साहब, दो जोड़ी जूते भेजना। अरे काय के जूते यार, ये स्कूल है, जूते की दुकान नहीं। फोनक नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। क्या सर कैसे हैं? लगता है और तुम कल क्यों नहीं आए थे? अरे वो सर मुझे सपना आया था कल भूकंप आएगा। हाँ तो मिस्टर जी छगन, हाँ तो छगन जी, आप घर पे जाकर अपने बेटे की नोट भी चेक करते हैं? क्यों पढ़ता नहीं है क्या? उस दिन इंग्लिश टीचर ने सबसे बोला कि बेटा इंग्लिश में हमारे टीचर पर ईमान नहीं, तो ये उठ के कहता कि मैडम चमक छल्ला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे राउडी रात में चल रही है क्या इधर? अरे वो छोड़ो, जब टीचर ने इससे पूछा कि बेटा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का मतलब बता, तो ये लिखते हैं कि भारतीय रात पर बैठ कर फीफा वर्ल्ड कप देख पर सर मैं पढ़ता भी तो हूँ। अच्छा पढ़ते हो? 1869 में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। और 1872 में क्या हुआ था? गांधी जी 3 साल के हो गए थे। देख देख ये पढ़ते हैं ये? अरे ये तो कुछ नहीं, संस्कृत के इन्होंने बैंड बजा कर रखी अच्छी तरह। संस्कृत में क्वेश्चन आए थे हिंदी अनुवाद के, देखो उसने क्या लिखा। लिखा था तमसो माँ ज्योतिर्मय, तो ये लिखते हैं माँ तुम सो जाओ, मैं ज्योति से मिलकर आता हूँ। अरे और सुनिए, लिखा था बम चापी तुम चापी, तो ये लिखते हैं कि माँ भारत में श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि आप भी चाय पी लीजिए, हम भी चाय पीते हैं, बाद में युद्ध लड़ेंगे जी। मजाक ना रखा यार। अरे और सुनिए, मैंने इन सबसे कहा कि बेटा कल मैं सूरज पर लेक्चर दूंगा, तो सब टाइम पे आना था। ये के कहता है सर मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, मेरे पापा आने नहीं देंगे। अरे घर क्या जोक की क्लास चल रही है क्या? और जब मैंने उसको बोला चुप नहीं तो मुर्गा बना दूं, कहता है सर मैं मटर पनीर खाता हूँ। अरे क्या इसके लिए अब हम मास्टर शेफ बन जाए क्या? अरे सर इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है, घर पे मस्त मस्त बात करता है। क्या बता बता। अरे बिल्कुल, इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर की तो बात ही नहीं रहा लिया। कल प्रिंसिपल ने हमें क्लास में सबसे पूछा कि बेटा बता अगर तुम्हारे स्कूल के आगे कोई बम रख देगा तो तुम क्या करोगे? तो ये उठ के कह रहा सर एक दो मिनट देखेंगे, अगर कोई उठा ले तो ठीक है, नहीं तो जाके स्टाफ रूम में रख देंगे। प्रिंसिपल ने उसी वक्त मेरे मुंह पे थूका है। हेलो भाई साहब, दो जोड़ी सैंडली भेज दो। अरे यार ये सैंडल दुकान नहीं, कितना भी कोशिश कर लो कुछ शांत रहना नहीं देता। हाँ तो छगन जी, आपका बेटा हाथ से निकला जा रहा है। अगर सर इसका नेचर बड़ा हेल्पफुल है, लोगों की मदद करता रहता है। नहीं 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 हेल्पफुल नेचर तो है ही इसका। उस दिन प्रिंसिपल पीछे तालाब में डूब रहा है, देख कर जोर से क्लास की तरफ भागा, तो क्लास में जाकर कहता है कल छुट्टी है छुट्टी है, प्रिंसिपल डूब गया। अरे पिछले महीने स्कूल में आग लग गई। मैं सही बच्चों बोला बेटा कुछ दिन तक घर पे रहना तो सब कुछ थे, लेकिन ये कोने उदास बैठा हुआ था। मैंने पूछा बेटा उदास क्यों, तो मुझे कहता सर आप कैसे चिंता बच गए। सर वो मैंने डी ने बोला था। कौन वो तुम्हारा दोस्त टोपी वाला डी? वो साला एक नंबर की सी वाली हरकतें करते रहता है। उस हराम घोर को हगने जाने के लिए मना कर तो कहता यही क्लास की डस्टबिन में हग दूंगा। बेटा उसकी संगत छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो। पर सर वो सही लड़का है, मैं ज्योग्राफी से सीख रहा हूँ, ज्योग्राफी कितनी कमजोर है उससे। अरे उस आराम को से पूछो अमेरिका का है पहले तो पंजाब में कहते, और इटली की राजधानी पूछो तो नेपाल बताता। बेटा उससे हिस्ट्री या ज्योग्राफी सीखना मतलब डोनाल्ड ट्रम्प से बहुत पूरी सीखने जैसा है। अरे उस हराम को से पूछे कि तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व कब होता है, तो कहता है कि जब एग्जाम में कुछ ना आता हो और टीचर आके कहेंगे बेटा अपनी शीट छुपा लो, पीछे वाला देख रहा था साला, छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। अरे इनको कितनी बार बोला कि बेटा घर से नॉलेज वाली चीज देख के आए कर, नॉलेज बढ़ती है साला, घर से छोटा भी मन डोरेमोन देख के आते हैं। सर वो मैं नहीं देखता। अच्छा
पिछली एक्स्ट्रा क्लास में क्यों नहीं आते तुम? सर मूवी देखने गया था। कौन सी? सांड की आंख। गधे की कांख। अगर तुम इस बार पेपर में फेल हो गए ना बेटा स्कूल भूल गए। अरे सर इतना गुस्सा मत कीजिए, कुछ पी लीजिए क्या? अरे भाई साहब दो जोड़ी कपड़े ही भेज दो। दो जोड़ी बेल्ट खाएगा?